हेलो भाई, आज मैं बना रही हूँ पकोड़े। तो पकोड़े बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 3 आलू, 2 प्याज और 2 हरी मिर्च, और इनको अब बारीक बारीक कट कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है, और अब पकोड़े की सामग्री तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने पकोड़े के लिए सामग्री तैयार कर ली है। बेसन, मसाला, आलू, प्याज, मिर्च, सारी सामग्री मिक्स कर ली है। अब बनाते हैं पकोड़े। कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म हो गया है और अब इसके अंदर डालते हैं पकोड़े। हंसल पकोड़े लेने का इंतजार कर रहा है। तेल गर्म हो गया है और अब इसमें डालते हैं पकोड़े बनाने के लिए सामग्री। अंजुल भी पकोड़े खा रहा है। मैं डाल दी है मिर्ची और ये भी बेसन के साथ पक जाएगी और खाने में बड़ी टेस्टी लगेगी। ये इसके साथ मैंने बना दिया है ब्रेड पकोड़ा। ये ब्रेड पकोड़े पक गए हैं, अब इसको निकाल लेते हैं। ये बन के तैयार हो गए हैं पकोड़े। ये देखिए, हमारे ब्रेड पकोड़े और आलू के पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। आप भी अपने घर पे ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।